नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। आरबीआई का बड़ा फैसला, वापस ले जाएंगे 2000 के नोट, 30 सितंबर तक नोट बदलने का दिया गया समय। कोल्हापुर में सीएम एकनाथ शिंदे ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को कोल्हापुर की शान बढ़ाने वाला केंद्र एक साल के भीतर बनाने का दिया अल्टीमेटम। हमारे साथ बेईमानी करने वालों को हमने बाजू में रखा, हमने कड़ी मशक्कत की और अपना किला फिर से लाया, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने शिंदे से पूछा कि आपको मुख्यमंत्री बनना है या जेल में जाना है, घबराने वाले लोग सत्ता में गए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रात को तत्काल दिल्ली के लिए हुए रवाना, मंत्रिमंडल विस्तार के विषय में हो सकती है चर्चा, सूत्रों से मिली जानकारी। आर्यन खान मामले में क्या हुआ इसे जानने के लिए एसआईटी लगा रही है जोर, एनसीबी ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं, डीवीआर खराब होने का एनसीबी अधिकारियों ने दिया स्पष्टीकरण। पीएम मोदी तानाशाह है, उन्होंने फिर साबित किया केंद्र के अध्यादेश पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। रेलवे बोर्ड ने मुंबई के लिए 238 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन रैक की खरीद को दी मंजूरी, मुंबई रेलवे विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी जानकारी। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक सड़क हादसों में 39 लोगों की हुई मौत, 143 लोग हुए घायल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री शिंदे हमारे ही दोस्त थे, मुझे भी शिंदे ने बीजेपी में शामिल होने का दिया था ऑफर, यूबीटी सांसद संजय राउत का दावा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुंबई समेत महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।